est bon. Hein. Non, il est magnifique. C'est du centre. Can I tell you? Oh, yes, yeah, sure. Sure. Nasir? Nasir? Scooter, you can ask. C'est bien compliqué. Il faut faire des appels cuir. रहमान रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है अल्लाह पाक दे करम और फजल दे नाल तुसी बिल्कुल ठीक ठाक होवोगे। मैं तुहाडा भाई हाजी नहीं ते तुसी देख रहे मेरा यूट्यूब चैनल जिंदगी दे मेले। ते जनाब इस वक्त मैं मौजूद हाँ उच श्री सदात जिथे बहुत बड़ी सदात पाई जा रही है। तो इंशाल्लाह मजीद इस वीडियो नू बनाने वास्ते भी मालूमात लेने वास्ते इंशाल्लाह जी मैं होर अगे जा के व्यू कर रहा वा। इस वजह तो वीडियो स्टार्ट की है जनाब। तो अल्लाह पाक सोना खैर रखे जी, दुआवा याद रखा जे। तो वीडियो की डिटेल दे विच इंशाल्लाह जी मजीद तुहानू जिहड़ियां इत्थे दीआं ज़ियारतां है ने जां इत्थे दी जो माहौल है वह इंशाल्लाह जरूर दिखाना जी। क्योंकि मेरी बैक साइड दे उत्ते माशाल्लाह बहुत प्यारा हसीन इलाका वा, खुला वा। तो साढ़े को फैसलाबाद उत्ते सदात गई सी, उन्होंने पूछने जाके देखते हैं, सलाम दुआ भी करते हैं जाके। ਸੰਸਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਗਾਣੇ ਸਾਜੇ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਣੇ। ਹਾਂ 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 ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਕੌਣ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਈ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਭਵਾਨੇ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਿਗੜਿਆ ਸੀ ਅਸਲ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲਾਉਂ ਤੋਂ ਗਏ ਸੀ ਸਾਰੇ ਹਰ ਪਾਸ। ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੋਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਜੀ ਲੋਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਜਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? आओ
हाँ जी मैं दस रहा सी जनाब के है ये उस शरीफ सरकार दे लंगर खाने ते मैं मौजूद हाँ। मुर्शद पाक सानू दस रहे सी कि बड़े सगीर एशिया का सब तो वड्डा सादात दा घराना जिहड़ा वो उस शरीफ सादात आ कि कायनात कितों भी इंसान घूमावे कलंदर शैंत शाह तो भी होवे जितों भी होवे वो इंशाल्लाह इत्थे आके हाजिरी जरूर देंदा है, इत्थे आके अपना ड्यूटी जरूर देंदा है और सरदार के सामने पेश हों। इंशाल्लाह जी मुर्शद फरमाते हैं कि इतने जायज भी पाक के कदम मुबारक भी है ने होर भी बहुत सारिया ज्यारत जीडिया दरबार शरीफ की ज्यारत आ इंशाल्लाह जी वह भी थोड़ा तो जरूर लाजम करवावगा। ठीक है जी मुर्शद जी भाव जी हाँ जी देख रहे थे तुम सैयद बादशाह गपशप करवा रहे थे जनाब से उन्होंने सैयद फैसल बुखारी सरकार उन्होंने जैसे कि लंगरखाना भी है आस्थाना आ रही फ्लैक्स वगैरह लग रही मेहमान वगैरह इन्होंने को इतों जो मन वाले मरीज हैं इन्होंने को आए होने तो अपनी मोहब्बत के नाल जिस तरह इतने जिस तरह किसी की ड्यूटी है वो दे रहे हैं जायली मदद बाबा जी भाईजान सैयद सरदार के नाल गल करनी थोड़ी जी मुश्किल होती है बाबा जी के नाल गल कर रहे सर दिखा रहे सर तो सैयद साढ़े को होर भी बैठे ने उन्होंने नाल भी थोड़ी ਯਾਲੀ ਮਦਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੀਰ ਮੋਲਾ ਅਲੀ ਸਲਾਮ ਰਾਤ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸਰ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜੀ ਜਨਾਬ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖੈਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫੈਸਲ ਬੁਖਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮੈਂ ਖੈਰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਖੁਸ਼ ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਜੀ ਸੈਯਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫੈਸਲ ਬੁਖਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਖਾਣਾ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੇ ਯਾਲੀ ਮਦਦ ਸਰਕਾਰ ਮਾਸ਼ਾ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੀ ਮਦਦ ਜੀ ਵਾਹੀ ਮਦਦ ਜੀ ਸੈਯਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਯਾਲੀ ਮਦਦ ਜੀ ਯਾਲੀ ਮਦਦ ਸਾਈਂ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਚੈਨਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦੋ ਲੰਗਰ ਖਾਣੇ सरकार सैयद मखदूम सरकार जिहड़े उन्हां दे लंगर खाने का सारा निज़ाम दिखा रहा सा कि लंगर उन्हां दा पक रहा है सरकार का अपना लंगर खाना है तो बाहर भी सैयद बैठे सन तो उन्हां दे नाल गपशप नहीं हो सकी क्योंकि अंदर उन्होंने बुला लिया जरा तो फिर उन्होंने कोल जरा चले गए तो मैं देखदा जी इंशाल्लाह ज़्यादा इत्थे तुहानूं नज़र आउंदा होणा जनाब दरबार शरीफ दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हाँ मखदूम सैयद यूसुफ रजा बुखारी सरकार जिहड़े उच्च शरीफ सदात ने वो इत्थे खड़े हुए हैं तो मैं कहा चलो उन्होंने नाल भी थोड़ी जी पिक हो जाती है नाले बैग थोड़ा जहा आ जाती मखदूम सैयद यूसुफ रजा बुखारी सरकार खड़ोते हैं हाँ जी मुहब्बत वाले लोग जो सजदा बादशाहों के नाल खलो के तस्वीर वगैरह बनवाते हैं मुहब्बत के नाल क्योंकि सरदार के नाल खलोना सरदार के नाल गल करना भी ये बड़ी बात होती है तो मखदूम सैयद फैसल शाह बुखारी सरकार के नाल भी थोड़ी मुलाकात हुई इंशाल्लाह तो उन्होंने नाल भी थोड़ा जी किया सरदार जोड़े बैठे हुए हैं देखो उन्होंने मुहब्बत के नाल जोड़े मन वाले ने वो उन्होंने वीडियो वगैरह बना रहे हैं
तो मैं जिस तरह जी होर इस इलाके की जी मालूमात वगैरह है इंशाल्लाह उसके मुतलक भी डिस्कस करदा और वह भी सारा मैं इंशाल्लाह दिखावांगा जी। उस शरीफ का जिहड़ा दरबार शरीफ आ इत्थे दी जिहड़ी ज़ियारत है मैं इंशाल्लाह जरूर दिखाऊंगा जी। रखो बस सफी दे याद रखो बस और ये मौजूदा है। अब देखेंगे कि आज का कितना फास्ट दौर है बड़ा कि आज के दौर में ऐसे कोई कंप्यूटर भी नहीं लिख सकता कि बड़ी साइंस तरक्की कर गई है बेशक कि जैसे वो कुरान लिखा हुआ वो उसको कहते हैं इमाम के जो ना होने के कारण लिखा वो हमने यहाँ साथ ही घर है वहाँ रखे हुए हैं जो फिर अपने वो हुए ना सारे बगैर बैलों के चलता था और राम राम की सदा थी। तो जब सरकार तशरीफ लेके आए ना तो उसको पता चला कि कोई औलिया अल्लाह आया अपने आप को औलिया अल्लाह कहता है अल्लाह का वली कहता है और वो कलमा हक और दीन फैलाना चाहता है। उसने ये बात सुनी उसने अपने जादू के साथ पानी वाले कुएं को ना किबला आग में तब्दील कर दिया। तो जब सरकार गए वहाँ पे अंदर सरकार को धक्का दे दिया सरकार शेख सजलाल को आप सरकार ने उसी आग के ऊपर नमाज अदा की। जब आप बाहर आए वही आग गुले गुलजार बन गई फूलों में तब्दील हो गई। तो जब ओझा रानी ये मंदिर देखा तो फिर सरकार के कदमों में गिरी और इस्लाम कबूल किया। फिर सरकार ने शरीयत के हिसाब से अपनी बहन का दर्जा दिया। आपने फरमाया कि मैं आपको अपनी बहन का दर्जा देता हूँ जो मेरा शहर है वो भी तेरे नाम से होगा। ये ओचा रानी के नाम से हजूर है उस शरीफ। बाकी तो दुनियावी वो ऊँचे टीले थे और ये वो ज़रा गलत है लेकिन जो हक सच है वो ओचा रानी का नाम। सीता रानी है सीतपुर में इनकी जो ये दो बहनें थी सीता रानी और ओचा रानी। ओचा रानी उस शरीफ में और सीता रानी सीतपुर में। देख रहे सर जनाब थानू उच शरीफ सरकार की ज़ियारत करवा रहा सा और थानू यह भी वीडियो के पता लग गया होना थोड़ा जहा बयान तुम सुनिया होना कि उच शरीफ क्यों कहा जाता है। इनू उच्चा राणी के नाँ के उ पहले शहर से कदीम तारीखी रहायशी शहर से जिदा दस रहे सन
कि ऊंचा रानी इतने यानी कि ये बहुत सारा जो इलाका जड़ा ना जी ईसाइयत बहुत सी इतने ईसाई बहुत ज़्यादा रहते सर ऊंचा रानी जो भी वह भी क्रिसमस ईसाई सी इस वजह तो ऊंचा रानी जी है ना ये उसके नाम के उत्तों फिर शहर रखा गया क्योंकि हज़रत सैयद जलालुद्दीन सुरखपोश बुखारी सरकार जड़े ने ना ये उन्होंने उन्होंने अपनी भैन का दर्जा दिता और उन्होंने कहा इंशाल्लाह ये जरा किया था ना ये शहर जरा ये तेरे नाम तो आबाद होएगा इंशाल्लाह इस वजह तो वो दा नाम ऊंचा रानी सी ते इस वजह ते नू उच्च शरीफ भी कहा जाता है ते तारीख बरे शरीफ की सबसे बड़ी सदात जेड़ी कोई भी है ना वो मकसद कितों भी आवे जेड़ी भी आवे उन्हें सब तो पहले जी जनाब इतने आके हाजिरी जरूर देनी होती है इतने क्योंकि इतने सदात ही जड़ी है ना इतों मोर लगती सदात है तो जा रहे हैं जनाब मैं जरा दरबार शरीफ ते सी उत्थे मैं कहा जरा उतो ਸੁਣਦਾ ਆਇਆ ਜਰਾ ਨਾਲੇ ਉਹ ਆਏ ਸੀ ਗੱਦੀ ਨਿਸ਼ੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਏ ਸਰ ਆਪਣੀ ਬਣਾਵੇਂ ਲੱਗਾ ਨਾ ਸਮੋਸੇ ਤੇਰੇ ਵਿਰਾਜ ਕੇ ਨਾ ਸ਼ਾਂਤ ਮੋਟੂ ਬੋਲ ਲਈ ਭਾਈ ਜਾਨ ਦੇਖ ਲੋ ਕਿੰਨੇ ਗਿਲੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਭਰ ਗਿਆ ਵਾ ਮਾਨਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਆ ਯਾਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੇ ਇੰਨੇ ਦੋਸਤ ਆਏ ਆ ਔਰ ਸਭ ਵੀ ਆ ਭਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਭ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾਵਾਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਵਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਆ ਉਹ ਜੇ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਲੰਗਰ ਸ਼ੰਗਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਹੀ ਅਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵੇਖ ਲਓ ਯਾ ਅਲੀ ਮਦਦ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਜੀ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਬੈਠੀ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਸੈਯਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਸਲਾਮ ਕਰ ਆਏ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਸੁਣੇ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੀ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ ਸਲਾਮ ਕਰ ਆਏ ਜੀ ਹਾਂ ਸਲਾਮ ਕਰਕੇ ਲਾ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰ ਆਏ ਜਨਾਬ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਸੁਣੇ ਹੋ ਠੀਕ ਰਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਯੈਸ ਮੈਂ ਸਰ ਸਲਾਮ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸਰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਭਾਈ ਸ਼ੌਕਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਭ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਸਲਾਮ ਸਲੂਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਸਰ ਹੋਰ ਭੈਣ ਠੀਕ ਹੈ ਸਭ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ੈਫ ਆ ਗਏ ਆ ਜਿੰਨਾ ਲੰਗਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਨਾ ਸਾਰਾ ਲੰਗਰ ਜਿੰਨਾ ਜੇਕ ਪਕਣੀ ਸਾਲਣ ਪਕਣਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਅਨਵਰ ਅਲੀ ਜਨਾ ਅਨਵਰ ਅਲੀ ਨਾ ਹੈ ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੀ ਨਾ ਵਾਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਹੁਣ ਤੇ ਜਨਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਥੋੜਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਉੱਚੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਦੱਸਿਆ ਬਹਰਹਾਲ ਜੀ ਖਾਣਾ ਮੀਆਂ ਮੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਾਲ ਕੰਮ ਆ ਜੀ ਸਾਈਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣ ਡਏ ਨੇ ਇੱਧਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ 5-6 ਦਿਨ ਤੋਂ 7 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਈਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣ ਡਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਲੀ ਜੀ ਬਾਸ਼ ਰੋਟੀ ਲੰਗਰ ਪਕਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ੌਕਤ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਲਾਰ ਨੇ ਤੇ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਨਾਲ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰੀ ਬੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡ੍ਰਿਪ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਕੋਈ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਗੋਲੀ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰੀ ਬੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਵੇਲਾ ਜੀ ਭਾਈ ਹੋਰ ਤੇ ਸਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਦੋਸਤ ਪਿਆਰ
और सरकार ठीक ठाक की है जी दादा अच्छा जी माशाल्लाह जी सारे अगे संगत दे दोस्त आ साडे है ओ शरीफ सरकार दे बैठे ने बिस्मिल्लाह जी गानी साहब गानी साहब गानी चाचा जी है भाई ने जी माशाल्लाह जी हां जी ओ गानी दा भरा है जी सारे अपनी अपनी ड्यूटी दे रहे लेकिन सब हां जी हां जी जिंदगी दे मेले मेले जिंदगी दे और एक बिठा दिता के मेले जिंदगी दे इंशाल्लाह जिंदगी के साथ जिंदगी दे मेले लगे रहेंगे और लांदे रहेंगे जे अगर भाई शौकत ना रहा तो मेले लगते रहेंगे नाल रहा तो लगते रहेंगे नाल भी रहा नाल ही साबे हाल हर हाल में मौजूद होता है हर हाल को जानता है ये साबे हाल है लाला खाली चक्कर मार के क्या नहीं जी दोस्तों जिदा तुम दिखा रहे सब तो सरदार की भी गलबात सुनी तुसी थले तुहानू सजदा नाल मिलाया भी अंदर सैयद बादशाह सरकार उच्च शरीफ वाले उन्होंने दरबार शरीफ की अंदर तो नहीं चाहूँ ज़ियारत करवाई चलो अंदर कैमरा लाओ नहीं है बाहर जो सेन सारा कुछ दिखाया तुहानू उन्होंने बाहरली साइड के उत्ते बाएं तरफ देखिए ना दाएं तरफ से एक दरबार शरीफ आ गामन सुचियार उन्हां दी की हिस्टरी आ वो पुछने जी उन्होंने को बहुत सच्चे लोग सच बोलिया सारी जिंदगी सारी जिंदगी झूठ नहीं बोलिया किसी अगे भी कोई मकाम भी आ गया है जिंदगी का खतरा झूठ नहीं बोलिया जिंदगी बचाने वास्ते भी झूठ नहीं बोलना गामन सचार बड़े मशहूर ने तारीखी बड़े बड़े बुजुर्ग ने अच्छा जी ये सरकार दे खलीफा होए ने गामन सचार इन्हां दा नाम है ते सारी जिंदगी यानी कि सच ही बोलिया सच तो अलावा कुछ नहीं बोलिया बेशक जान जाती है चले जाए जो जाता जाता जाए लेकिन सच का साथ नहीं छड़िया सच नूं हमेशा अपने सामने रखिया और सच ही बोलिया इस वजह तो अज इन्हां दा नाम भी गामन सचार तो नाम तो पहचान जाता और यह इधर उच्च शरीफ सरकार उन्होंने दरबार शरीफ हाँ जी ए कब्रस्तान है सारा नाल उस चावल भी तैयार हो रहे हैं जनाब फिर वेलकम बैक जनाब ये ना उच्च शरीफ दी तुहानू ज़ियारत करवा रहे सी जर्सियां बड़िया बड़िया प्यारियां जनाब ते उच्च शरीफ टाइम तकरीबन तीन चार तीन तकरीबन टाइम हो गया जी ते हुण निकल रही है संगत जनाब जी उहदा नाम मुल्तान वास्ते मुल्तान जाके शाह शमस तबरेज मुलाकात होगी दोबारा उन्नी देर तक इतों हूँ उस शरीफ तो जा रही संगत सारी तैयार आ शौकत साहब खलोते ने तैयार सवारियां हो रही पूरी हो गई जी दो चार बंदे रहंदे हो आ रहे हैं बस आ जंदे जी जिदा ही आ जंदी जी इतों संगत जा रही हूँ मुल्तान जाएगी जी शाह शमस तबरेज अगे पिछे होर जिहड़ियां ज़ियारतां है वह तुहानू दिखावांगे तो मेरा ख्याल इस वीडियो में इतें ही खत्म कर दें जनाब मालक ख्याल रखे इतने तक इंजॉय करो वीडियो का
इंशाल्लाह अगली वीडियो जी थोड़ी दिखावे। अल्लाह हाफिज।